सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई ताकि विकलांगजनों का जीवन यापन हो सके, लेकिन ललितपुर जिले के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत खजुरिया निवासी एक विकलांग परिवार का कुदरत के साथ साथ ब्लॉक के अधिकारियों की लापरवाही का शिकार होना पड़ा। इस गांव निवासी दोनों आंखों से अंधी सुखीबाई को 2 साल से और एक आंख से अंधे पति कल्लू को 5 साल से विकलांग पेंशन ना मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4,000। और परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? हारे लो आजाद मोड़ी मोड़न के संगे उनके संगे थतुलतालिका का बीना था रात एक जना मजूरी करा था रात। तो आपकी क्या समस्या है? विकलांग मेला लगवे से हम खाए से चलन लगे। हाँ मजूरी नहीं करने आए, एक जना तो कह दे मगर हमें नहीं करने आए। इससे पहले आपकी विकलांग पेंशन मिलती थी क्या? हाँ। कब से नहीं मिली है? कम से कम 1.5 साल से, 2 साल, 2.5 साल से। अच्छा ये बताइए, विकलांग पेंशन ना मिलने से आपके परिवार में क्या समस्या हो रही है? मजूरी लग नहीं रही है सरकार की तरफ से, सुखा करवे। यदि आपको विकलांग पेंशन मिलने लगेगी तो आपकी समस्या कुछ दूर होगी? अच्छा चलो लगे खाचा पानी से दूर हो मजूरी, हमें नहीं करने आए, जरा तो करने ही करने है, गरीब आदमी दो चादर से गढ़ाती हुई तो कहते चलो मैं सा खाचा पानी चला तेरे मजूरी। तो देखो जोना जीने जोना नहीं छूटने, विकलांग से तो हो जाएगा वो उड़ना कपड़ा लोगन लगे और खाव पीवो सब कुछ तो लेना, हर चीज की परेशानी है। आपके पति क्या करते हैं? जब जितने जोन लगा जो नहीं करा, अब हम एक काम का बता देवे। हाँ मजदूरी जोन लगा, जैसे ही को गुड़ा रहा तो गुड़ा भी जाने। आप काम कैसे कर लेती हैं? चलो मोड़ी के सहारे से तो कह रहे मोड़ी खुलवा के करा। विकलांग पेंशन पाने के लिए आपने किसी से कहा, प्रधान से या सेक्रेटरी से किसी से कहा आपने? सब तो कर लो, प्रधान से कही सेक्रेटरी से किया है, प्रधान जा करते कि हाउ हाउ हम पास रुक दीजिए हमें हाउ हाउ, कि पहले तो कड़ी नहीं थी सुनने के लिए दूरे में गए थे पहले कैसो प्रधान जी हमारी विकलांग कट गई कैसे कट गई सुकल हम दे सुकल बैंक लो चले। अब फिर होते गए सो बहन जी कल लेंगे तुम्हारा खाता खराब है, एक ही नंबर खाते को खराब है, फिर दूसरे गए कम से कम 3-4 भी तो विकलांग कर ले फिर आए। तो उन्होंने क्या कहा? विजय कह रही थी कि आज ऐसा खाते में पैसा तुम्हारे में पहुँच नहीं रहे, खाते की थी हमने खाता खुलवा लो, दूसरा खाता खुलवा लिया। हाँ को जीरो को। तो आप क्या चाहती हैं? आप हम जो चाहते हैं हमें पेंशन चाहते हैं, हमारा खर्चा कैसे चले। आप स्कूल जाती है? जा नहीं पाते मम्मी के संग रहती। आप मम्मी के साथ रहती हैं तो महीने में कितनी बार जाती हैं स्कूल? 1-2 बार। मम्मी के साथ आप क्या क्या काम करवाती हैं? टट्टी लो जाती, पानी भर भी, खाना बना भी। तो आप क्या चाहती हो? पेंशन मिलने लगे सुबह स्कूल जान लगे। क्या समस्या है? हम दो आदमी विकलांग हैं, कछु कर नहीं पाऊँ, जो कछु मजूरी मिला सो 10 किलो की सो 20 किलो की जो अपना पालन पोषण कर रहा है। ये आपके बाजू में बैठे हैं वो कौन है? वो हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी ये काम कैसे करती हैं? मोड़ी के सहारे था तोला। आपके परिवार भरण पोषण कैसे होता है? अब ये सो कर रहे मजूरी का कर रहे को करे, पेंशन नहीं सुबह मिली नहीं। कब से नहीं मिली? हमें हो गई कम से कम जुगल की 5 वर्षी भर मिली। अच्छा पेंशन ना मिलने से क्या परेशानी हो रही है आप? जाकर मजूरी होते नहीं बस की नहीं है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि इस विकलांग परिवार में पति पत्नी के अलावा सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरी मात्र 12 साल की है। परिवार के पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी इन विकलांग पति पत्नी के कंधों पर है। विकलांग पेंशन का भुगतान रुक जाने के कारण इस परिवार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर इस घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों के समस्त बकाया पेंशन का भुगतान कर इनके पेंशन की लाभ को जीवन पर्यंत जारी रखा जाए। इस वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है, आप लोग ललितपुर जनपद के जिला अधिकारी के मोबाइल नंबर 94-54-45-75-49 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इस विकलांग परिवार का जीवन बचाया जा सके। मैं शंकरलाल बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से इंडिया अनहर्ड के लिए।